से। सा पौधा नर्सरी से लाकर अपने बगीचे में लगाया, फूल का पौधा हो तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो फूल देगा, फल का पौधा हो तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो फल देने लगेगा।
और आजकल तो सामान्य पेड़ों को लाकर घर पर लगाने के बदले बड किए हुए पौधे लाकर लगाए जाते हैं, जिससे कि वो आम जो किसी जमाने में 5 से 10 साल के बाद फल देता था वो साल भर में फल देने लगे, और ऐसे पेड़ जो 10-10, 20-20 साल में फल देते थे उनको अब ऐसा बना दिया गया है कि 5 साल से कम में फल देने लगे हैं। तो जब एक व्यक्ति एक पेड़ या एक पौधा नर्सरी से लाकर घर में लगाता है तो हम उससे फल की उम्मीद करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में दूसरे लोग हमसे फल प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमसे जो उम्मीद करते हैं उससे भी बहुत बड़ी उम्मीद है प्रभु मुझसे और आपसे जो उम्मीद करते हैं। यूहन्ना प्रेषित शुभ संदेश, यूहन्ना के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 16वें पद में हम आज का की वर्स या ये जो तीन अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तीन अध्ययनों का की वर्स हम देखते हैं। यूहन्ना 15 के 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हमारे अध्ययन का विषय फल है, लेकिन आत्मिक जीवन में फलवंत होने के बारे में यदि हम गंभीरता से सीखना चाहते हैं या उस विषय को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो उसके भी पहले की एक बात है जो हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और वो ये है कि हम में से हर व्यक्ति चुना गया है, किसी कार्य के लिए चुना गया है। जब मैं कहूंगा चुना गया है तो अक्सर हमारे मन में चुनाव की बात आती है, चुनाव होता है, प्रचार होता है, वोटिंग होती है। जी नहीं, उस तरह की चुनाव की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ चुनाव की बात हो रही है जब एक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के साथ जाकर अन्य व्यक्तियों को या अन्य वस्तुओं को चुनता है। हम सब इस बात को जानते हैं, जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसे बाकायदा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू बोर्ड चुनाव करता है, इन लोगों का चुनाव करता है जिनके बारे में इंटरव्यू बोर्ड को इस बात का यकीन है कि ये लोग जो ये व्यक्ति हैं ये हमारे दफ्तर में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। इस तरह का चुनाव हम हर जगह देखते हैं, दफ्तरों में देखते हैं, एयरपोर्ट्स में देखते हैं, आर्मी में देखते हैं। इवन जब हम किसी व्यक्ति को मंडली में संडे स्कूल या पुलपिट देते हैं तो वहां भी एक चुनाव हम देखते हैं, जब उस भाई या बहन को एक पर्टिकुलर सेवा के लिए चुना गया है। अच्छा, अब अपन विषय पे वापस आते हैं। चाहे दफ्तर हो, बिजनेस हो, कहीं भी हो, लोगों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किस लिए होता है? जिससे कि जिस कार्य के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है उस कार्य को वे लोग कर सके। आत्मिक जीवन के बारे में हमें ये बात समझनी चाहिए कि आत्मिक जीवन में भी चुनाव होता है। आप कहेंगे कमाल है, प्रभु का वचन कहता है कि जी हाँ, प्रभु का वचन बहुत साफ साफ ये कहता है, एक जगह नहीं अनेक जगह प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु ने हमको चुना है। कई जगह चुना है शब्द के बदले जो शब्द यूज किया जाता है वो है बुलाया है। दोनों का मतलब एक ही है, हमको सेलेक्ट किया इसलिए हमको बुलाया है। बल्कि उत्पत्ति में आदम और हव्वा की सृष्टि जहां की गई है वहां से लेकर आगे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनको बुलाया है, आदम और हव्वा को बुलाया था। तब से लेकर वो बुलाहट तब तक जारी रहेगी जब तक हम अनंत काल में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस कारण जब प्रभु याद दिलाते हैं तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, तो पहले तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि हमारे जीवन में हमें फलवंत इसलिए होना है कि प्रभु ने हमको चुना है और चुन के हमें कई प्रकार के लक्ष्य दिए हैं। उन लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह है कि हम अपने जीवन में फलवंत हों। यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया, मतलब अपॉइंट किया।
अंग्रेजी में अपॉइंटमेंट शब्द कितना आसान है सुनने में, हिंदी में ठहराना शब्द एकदम से वो असर नहीं छोड़ता है। प्रभु के कहने का मतलब है भाई मैंने तुम्हें चुना, तुमको बुलाया और तुमको इस काम के लिए अपॉइंट किया कि तुम जाकर फल लाओ। तुम फल लाओ कहने के बदले तुम जाकर फल लाओ प्रभु ने क्यों कहा, यह भी हमें सोचना चाहिए। जाकर फल लाओ का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में जिसमें प्रभु ने हमको रखा है उस जीवन में फल लाना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम जाकर फल लाओ, प्रभु के पास खड़े खड़े फल नहीं, संसार में उतर कर लोगों के बीच में प्रभु ने हमसे जो कहा है वो करने के द्वारा हमको फल लाना है। फल के बारे में प्रभु का वचन और भी बहुत सारी बातें बताता है जिनको आज हम देखेंगे। उसके बाद प्रभु ने मदद की तो कल हम ये देखेंगे कि फलवंत कैसे हो, आज हम देखेंगे कि फलवंत क्यों हो और उसके द्वारा क्या क्या होगा। कल देखेंगे कि फलवंत कैसे हो, परसों हम ये देखेंगे यदि प्रभु ने मदद की तो ये देखेंगे कि जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार फलवंत होते हैं तब प्रभु स्वयं भी हमारे जीवन में फल प्रोड्यूस करते हैं। एक विश्वासी के जीवन में फल दो दिशाओं से आते हैं, एक पवित्रात्मा पर आश्रय के द्वारा जब वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है तब उसके स्वयं के प्रयत्न के द्वारा जो फल है। याद रखें मैं जब भी कहता हूँ स्वयं का प्रयत्न तो बहुत डर के साथ बोलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें सिर्फ मेरे प्रयत्न के द्वारा। जी नहीं, हमारे प्रयत्न के द्वारा, लेकिन उस प्रयत्न में हम पवित्रात्मा पर आश्रय रखते हैं। पवित्रात्मा पर आश्रय रख के आश्रित होकर जब हम प्रयत्न करते हैं तब हमारे जीवन हमारा जीवन फलवंत होता है हमारी ओर से। और जब इस तरह का फल नियमित रूप से हमारे जीवन में दिखता है तब पवित्र आत्मा काम करते हैं और अपने आप पवित्र आत्मा की ओर से भी डायरेक्टली फल प्रोड्यूस करते हैं। इन बातों के बारे में जानना मैं प्रभु से याचना करता हूं कि हम सबको ये बातें सीखने के द्वारा आत्मिक जीवन में और अधिक समर्पित जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। इसी पुस्तक के मतलब यूहन्ना के 15वें अध्याय के 8वें पद में हम एक बात देखते हैं, यूहन्ना 15:8 वहां हम देखते हैं मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो फल क्यों लाए, इसका इस प्रश्न का पहला उत्तर तो यह था कि प्रभु ने हमको बुलाया है और इसलिए बुलाया है कि हम फल लाएं। नंबर दो, जब हम अपने जीवन में फल लाते हैं तो उस फल के द्वारा पिता की महिमा होती है। जितने पॉइंट हम कवर करते चले जाएंगे उसमें से हर पॉइंट के साथ साथ हमें ये अपने आप से पूछते जाना चाहिए कि ये मेरे जीवन में हो रहा है क्या। आज जितने भाई बहन बच्चे प्रभु का संदेश सुन रहे हैं या प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनमें से जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके अपने जीवन में नव जीवन का या उद्धार का अनुभव किया है उनसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मेरे प्रिय बच्चे, तुमको इस बात का यकीन है क्या कि तुम प्रभु ने तुमको ये जो नया जीवन दिया है इस नए जीवन में प्रभु की महिमा कर रहे हो। महिमा करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से एक तरीका यह है कि तुम अपने जीवन में फल लाओ। फल कैसे लाओ, बहुत सारे तरीके हैं जिसको प्रभु ने मदद की तो कल हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आज खासकर बच्चों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन में तुम्हारी जो बुलावट है, तुम्हारी जो बुलाहट है विद्यार्थी के रूप में, उसके प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रभु की जो बुलाहट है वो पूरी होगी। याद रखना जब मैं कहता हूँ समर्पित हो तो उसमें आत्मिक जीवन का समर्पण भी शामिल है। तो जब हम अपने जीवन में फल लाएंगे तो प्रभु के नाम की महिमा होती है और तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम लोग जब प्रभु यीशु के शिष्यों की बात करते हैं तो अक्सर उन 12 शिष्यों तक आकर रुक जाते हैं, बल्कि
यहूदा के बारे में जब सोचते हैं तो 11 पे ही नंबर अटक जाता है। लेकिन प्रभु के शिष्यों की संख्या सिर्फ 11 नहीं है, प्रभु के शिष्यों की संख्या असंख्य है। और जिस तरह से प्रभु जब संसार में थे तब उन्होंने इन 12 लोगों को चुना, जिसमें से एक तो प्रभु को धोखा देके चला गया। 11 शिष्यों को इसलिए प्रभु ने चुना था कि वे अपने जीवन में प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु ने उनको जो सिखाया था वो दूसरों को सिखाएं और प्रभु ने उनसे जो कहा था वो दूसरों के बीच में करें। उसी तरह से प्रभु ने संसार को छोड़ने के बाद लाखों बल्कि करोड़ों शिष्य नियुक्त किए हैं। मुझे नियुक्त किया है, आपको नियुक्त किया है, मेरे प्रिय बच्चों तुम लोगों को भी नियुक्त किया है। इस कारण इस बात को कभी ना भूलें कि जिस तरह से प्रभु ने आज से 2000 साल पहले अपने लिए शिष्य चुन लिए थे और उन शिष्यों को ये बात याद दिलाई थी कि तुम मेरे नाम की महिमा करो, तुम मैं जो तुमको सिखा रहा हूँ वो दूसरों को सिखाओ, मैं तुमको जो शक्ति दे रहा हूँ उस शक्ति के द्वारा मेरी सेवा करो, मेरे नाम की महिमा करो। आज भी प्रभु हम में से हर व्यक्ति से ये कह रहे हैं, इसीलिए तो हम प्रभु के चेले बनाए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमें हमसे पूछना है, पहला था मेरे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो रही है क्या, नंबर टू मैं प्रभु यीशु के एक सच्चे शिष्य के समान जीवन बिता रहा हूं क्या। देखिए हम सब बहुत सयाने लोग हैं, जब हम अपने आप से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब हमेशा ही हाँ में होता है, मैं एक अच्छा शिष्य हूं क्या, हाँ बहुत अच्छा शिष्य हूं। मेरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार सही है क्या, इसकी कसौटी मैं नहीं हूं, इसकी कसौटी एक तो है प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचें। दूसरी कसौटी है हमारी गवाही। तो यदि ये दूसरा प्रश्न जब मैं आपसे पूछता हूं और उसका उत्तर देना है कि आप प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य या चेले हैं क्या, तो आपको ये नहीं पूछना अपने आप से कि मैं चेला हूं क्या, बल्कि आपको अपने आप से ये पूछना है कि मुझे जो लोग देखते हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं, जिस कॉलेज में पढ़ता हूं, जिस दफ्तर में काम करता हूं, जो बिजनेस करता हूं, जिस समाज में मैं उठता बैठता हूं, वहां पर लोगों को इस बात का यकीन है क्या कि ये व्यक्ति, अरे वो तो सचमुच में प्रभु यीशु का शिष्य है, उसको देख लो तो ये समझ में आ जाएगा कि गुरु कैसे हैं। चेले को देख लिया, उसका जीवन हमको प्रोत्साहित करता है, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसे गुरु के पीछे चलता है जो संसार का मालिक है। तो इसलिए दूसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए हम जरा ये देख लें कि मेरी आपकी समाज में क्या गवाही है। उसके बाद फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 11वें पद में हम देखते हैं, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 11वां पद, वहां हम पढ़ते हैं और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। मेरे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है, परमेश्वर की स्तुति होनी है, ये यूहन्ना 15:8 में हमने ऑलरेडी देख लिया। लेकिन ये पद हमको एक और बात याद दिलाता है और वो है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में धार्मिकता का फल दिखना चाहिए। धार्मिकता एक ऐसा शब्द नहीं है जो अपन हिंदी में अधिक यूज करते हैं, बल्कि हिंदी भाषी मसीहियों के जीवन में धार्मिक या धर्मी शब्द का अधिकांश प्रयोग सिर्फ मंडली के अंदर होता है, मंडली के बाहर समाज में धार्मिकता शब्द या धर्मी शब्द का बहुत कम प्रयोग होता है। उसका कारण यह है कि प्रभु का वचन जिस तरह की धार्मिकता, धार्मिकता मतलब खराई, जिस तरह की खराई हमसे उम्मीद करता है, उसके लिए संसार जनरली धार्मिक शब्द के बदले और बहुत सारे शब्द यूज करता है। ठीक है, उन शब्दों को देख लें। धार्मिकता के फल से मैं और आप समाज में जहां रहते हैं, चलते फिरते हैं,
वहां मेरे आपके बारे में लोग ये कहते हैं क्या? आप पूछेंगे लोग क्यों कहते हैं? जैसा मैंने बताया, यदि हम अपने आप को जांचें तो हम सब बहुत श्याने हैं, हम तो कहेंगे कि अरे मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं। हमें अपनी आंखों से अपने आप को नहीं जांचना है। जांचने के दो मापदंड हैं, एक प्रभु का वचन क्या कहता है, नंबर दो मेरी आपकी जो गवाही है उस गवाही को देखकर समाज में लोग क्या कहते हैं। क्या समाज में लोग हमको देखने के बाद क्या ये कहते हैं कि हाँ वो व्यक्ति, अरे वो तो बहुत खरा है। अंग्रेजी में खराई के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें एक शब्द है सिंसियर। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां आपके साथी लोग, आपके अध्यापक लोग आपके बारे में ये गवाही देंगे क्या, फलाना वो तो बहुत सिंसियर है, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, खराई के साथ काम करता है, गलत बात की तरफ वो देखता भी नहीं है। उससे यदि कोई गलत काम करने को बोलो तो वो उससे हट जाता है, चाहे नुकसान हो तो भी वो गलत काम कभी नहीं करेगा। इस तरह से मेरी आपकी गवाही है क्या, समाज में मेरी आपकी गवाही है क्या, ऑफिस में मेरी आपकी गवाही है क्या? नंबर वन प्रभु के वचन के आधार पर ऐसा हम कह सकते हैं कि नंबर दो हमारी गवाही इस तरह से है क्या? प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु हमसे जो उम्मीद करते हैं उनमें अगली उम्मीद यह है कि खराई का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। खराई क्या है ये तो स्पष्ट हो गई, खराई का फल क्या होगा? एक व्यक्ति जो अपने कर्म के प्रति समर्पित है, कर्म शब्द सुनते ही आप पूछेंगे कि आप कोई फिलॉसफी झाड़ रहे हैं कि जी नहीं, फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा। मैं और आप यहां भी रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं वहां हमारा जीवन कर्म से भरा हुआ है। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना और अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करना। जो दफ्तर में काम करता है उसका कर्म है कि वो अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करे और दफ्तर में उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता से पूरी करे। मान के चलिए कि आप ऐसे दफ्तर में हैं जहां पब्लिक को बहुत काम पड़ता है, पब्लिक के बीच में आपकी क्या गवाही है? फलाने बाबू के पास जाओ, कभी भी जाओ, बाबू हमेशा टाल मटोल करते हैं। बहुत सारे बाबुओं की ये गवाही है, टाल मटोल करते हैं, जब तक उनकी जेब गरम ना करो या मुट्ठी गरम ना करो तब तक बाबू जी हिलते नहीं है। ये धार्मिकता का फल नहीं है, ये अधार्मिकता का फल है। यदि एक व्यक्ति को एक दफ्तर में इस बात के लिए अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है कि वो उस ऑफिस में फलाना काम करे, तो यदि वो उस काम को करने में टाल मटोल करता है या उसके लिए पैसा मांगता है या पैसे की उम्मीद करता है तो वो धार्मिकता का नहीं बल्कि अधार्मिकता का काम कर रहा है। संसार के लोग करते हैं, खूब जम के सारी दुनिया में हो रहा है, होता है। देखिए, दुनिया को बदलने के लिए प्रभु ने हमें नहीं भेजा है। हमारे जीवन को देखकर यदि कोई बदल जाए ये तो अच्छी बात है, जाकर जोर जबरदस्ती दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे अंडर यदि कोई व्यक्ति हो तो उसको बार बार याद दिलाना जरूरी है कि भैया विश्वास योग्यता से काम करो, इसके लिए तुम यहाँ बुलाए गए हो। और हम उससे ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वो हमारे अंडर काम कर रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं और आप जब प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं तो चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, हम जो करते हैं वो धार्मिकता के आधार पर होना चाहिए। और इसलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि धार्मिकता का फल प्रभु यीशु के द्वारा होते हैं, वो उससे भरपूर हो जाओ। एक विश्वासी के जीवन में एक या दो अच्छे काम नहीं, उसके पूरे जीवन में उसे सैकड़ों कार्य करने पड़ते हैं। इनमें से हर कार्य उसे धार्मिकता के आधार पर करना है, इसलिए कहा गया है कि भरपूर होते चले जाओ। यीशु मसीह के द्वारा क्यों? इसके पीछे कारण है। एक मसीही जीवन को अपने जीवन में जो कार्य करना है या जो फल प्रोड्यूस करना है जिसके लिए प्रभु ने उसे बुलाया है,
ये फल चाहे चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, दफ्तर में हो, बिजनेस में हो, समाज में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, उसके लिए बहुत अधिक दिव्य बुद्धि की जरूरत पड़ती है, दिव्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है, दिव्य गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जो धार्मिकता का फल यीशु मसीह के द्वारा होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। आज से बहुत साल पहले मध्य प्रदेश ग्वालियर में मैं एक स्कूल में काम करता था। एमएससी के बाद मैंने अपना करियर स्कूल से चालू किया। एक दिन एग्जाम के बाद प्रिंसिपल साहब मुझे बुला के उन्होंने कहा, देखो भैया हमारे सबसे इष्ट मित्र का बच्चा फेल हो गया है। स्कूल में ही मार्किंग हुई थी, बोर्ड का एग्जाम नहीं था। हमारे इष्ट मित्र का बच्चा फेल हो गया है और जॉनसन कुछ ऐसा जुगाड़ बैठा हो कि बच्चा पास हो जाए। मैंने सोचा कि भाई यदि बच्चे ने अच्छा लिखा हो तो उसको फेल नहीं होना चाहिए। कॉपी पलट के देखी, मैंने सर पकड़ लिया, बच्चे ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसको पास किया जा सके। मैं क्या करूं? यदि मैं मना करता हूं तो प्रिंसिपल नाराज होते हैं, प्राइवेट नौकरी है, कल को रिकमेंडेशन आगे ना जाए तो हमारी नौकरी पक्की नहीं होगी। वहां पहले कच्ची नौकरी लगती थी, उसके बाद नौकरी पक्की होती थी। तो यदि प्रिंसिपल का कहना ना मानो तो आपका भविष्य बिगड़ता है। प्रिंसिपल का कहना मानो तो जिस बच्चे ने 100 में से 10 नंबर की कॉपी नहीं भरी उसको आप कम से कम 33 नंबर देंगे। मैंने इस प्रश्न का क्या कैसे हल निकाला वो नहीं बताने जा रहा, लेकिन ये घटना मैंने आपके सामने इसलिए रखी जिससे कि आप इस बात को समझ सके या कि हर पेशे में ऐसा होता है। हर पेशे, आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, कॉलेज में काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसा अवसर जरूर आता है जब आपके सामने दबाव आता है कि आप गलत कार्य करें। जब गलत कार्य करने के लिए दबाव आता है तब हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक बुद्धि के द्वारा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हर मसीह को जब वो संसार में जीता है तो अच्छा फल लाने के लिए उसे मसीह के मदद की जरूरत है। आप में से कई लोग उत्सुक होंगे कि मैंने कैसे हल किया। देखिए, मैं तो सुन के डर गया। प्रिंसिपल तो बहुत खड़े हाथ के साथ व्यवहार करते थे, उनसे नो कोई नहीं बोल सकता था। मैं थर्रा गया। प्रभु ने बुद्धि दी। मैंने कहा कि सर, इस बच्चे की कॉपी तो मैंने ही जांची थी और अभी उठा के दोबारा मैंने इसलिए आपके कहने पे देख लिया कि कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया है। एक काम कीजिए सर, ये कॉपी आप किसी और अध्यापक को दिखा दीजिए। इस तरह से मैंने उस कॉपी से पिंड छुड़ाया, प्रिंसिपल से पिंड छुड़ाया, गलत काम नहीं किया, अपनी नौकरी भी बचा ली। बच्चे का क्या हुआ आप पूछेंगे, वो छोड़िए, बच्चे का क्या हुआ आप कहेंगे नहीं, फिर भी तो बता दीजिए। बच्चा पास नहीं हुआ, दूसरे अध्यापकों ने, सब लोगों ने देख के, उन्होंने मेरे अलावा जिस अध्यापक को दिया था वो पक्की नौकरी थी, उन्होंने तो देखते कह दिया कि सर ये नहीं पास हो सकता, मेरे पास तो कॉपी के वापस आने का सवाल नहीं था। प्रभु ने बुद्धि दी। देखिए, एक तरफ मेरी नौकरी जाती है, दूसरी तरफ प्रभु के सामने मैं गलत काम करता हूं, उस समय प्रभु ने बुद्धि दी। आज से 2600 साल पहले इसी तरह से प्रभु ने एक जवान को बुद्धि दी थी, दानियल। दानियल ने जाके कहा कि अब उनके ऊपर जो इंचार्ज था उससे कहा कि मालिक मैं तो ये खाने नहीं खा सकता। उसने कहा कि तुम कैसी बात करते हो, मैं यदि ये खाना तुमको नहीं दूंगा तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। वो पर्शियन साम्राज्य बहुत कठोर था, उससे नीचे जो आदमी था जो सिर्फ दानियल के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर इंचार्ज था, उनसे जाके दानियल ने एक प्रस्ताव रखा
उससे कहा एक काम कीजिए, साल भर की ट्रेनिंग होनी है, कम से कम 10 दिन के लिए ट्राई करके देख लीजिए। 360 दिन का साल होता था उस समय, तो 360 दिन में 10 दिन ट्राई कर लीजिए, और यदि हम जो कह रहे हैं उसके माफी के रिजल्ट आए तो आप आगे हमसे जैसा चाहे वैसा कीजिए, और यदि हम जो कह रहे हैं उसके माफिक रिजल्ट ना आए तो फिर आप जो कहिए, आप जो चाहते हैं वो कीजिए। प्रभु ने बुद्धि दी, ये मानसिक बुद्धि नहीं है। मैं और आप इस तरह की कई समस्याएं अपने जीवन में फेस करते हैं, उस समय प्रभु के द्वारा दी गई बुद्धि की जरूरत है, वरना ये संसार इतने अधिक पाप, बुराई और अधार्मिकता से भरा हुआ है कि कोई भी विश्वासी व्यक्ति धार्मिकता के साथ ना तो काम कर सकता है ना जी सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि धार्मिकता के साथ जीना है, ना केवल जीना है, धार्मिकता का फल प्रोड्यूस करना है। उसका उत्तर भी प्रभु का वचन देता है, प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु के द्वारा कैसे, इसके बारे में भी प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब तक प्रभु का मन हमारे मनों में फॉर्म नहीं हो जाता, रूप नहीं ले लेता, प्रभु का मन हमारे मन में कैसे रूप लेगा, प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु के वचन के बारे में प्रभु का वचन ही कहता है कि हरेक प्रभु का वचन जीवित और दोधारी तलवार से ज्यादा तीखा होता है। हिंदी में अनुवाद किया गया चोखा, चोखा शब्द का उपयोग आजकल धार के लिए अपन नहीं यूज करते हैं, बहुत तीखा या धारदार होता है। वो धारदार हथियार जब प्रतिदिन हमारे दिल में काम करेगा तब प्रभु से हमारी निकटता बढ़ेगी और प्रभु के ऊपर हमारा आश्रय बढ़ेगा, प्रभु का मन हमारे मन में बनेगा, और तब हम जब भी कोई जरूरत होती है प्रभु पर आश्रय रखेंगे और प्रभु हमको बुद्धि देंगे। फिलिपियों के बगल में ही है कुलुसियों, उसको जरा खोल लीजिए। कुलुसियों उसके पहले अध्याय को जरा खोल लें। कुलुसियों का पहला अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यह पृष्ठभूमि है। आगे क्या देखते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखिए फल जरूरी है, ये हमने देखा। फलबंध होने के लिए हमें बुलाया गया, ये हमने देखा। यहां प्रभु का वचन याद दिलाता है कि आत्मज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की पहचान में जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे तब हमारा जीवन फलवंत होगा। ऐसा क्यों? इसका कारण है, प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि मनुष्य का जो स्वाभाविक दिमाग है या मनुष्य की जो स्वाभाविक सोच है वो प्रभु के विरुद्ध है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय शुरू के पद हमको याद दिलाता है कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं चलता तो उसकी सोच संसार के लोगों की सोच के समान हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जाना है, उस व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके जीवन में वो बदलाव आए, वो बदलाव जो उसके जीवन में उसको फल दे सके। आज शुरू शुरू में मैंने आपको याद दिलाया था कि हम लोग नर्सरी से फूल या फल देने वाले पेड़ घरों में लाकर लगा देते हैं। मैंने ये भी बात याद दिलाई थी कि बडिंग के द्वारा जो पौधे होते हैं वो जनरली जितने सामान्यतया उस पौधे को या पेड़ को जितना समय लगता है उससे पहले ही वो फल दे देता है। लेकिन एक बात बताइए कि बडिंग वाला पौधा हमने घर लाके गाड़ दिया, बिना किसी बदलाव के वो वैसा का वैसा रहेगा।
फल लगेगा क्या? देखिए बडिंग वाला जो है उसके बारे में ये गारंटी होती है कि साल या दो साल में फल देगा, लेकिन हम पौधा ले आए, गाड़ दिया, खाद दे दिया, पानी डालते रहे, हफ्ते भर के या दो हफ्ते के बाद पौधा एक इंच भी नहीं बढ़ा, ये किस बात का लक्षण है? इस बात का लक्षण है कि उसमें जो रूपांतर होना है वो नहीं हुआ है। यदि किसी अच्छी नर्सरी से आप उसको लाए हो तो भाग भाग के नर्सरी वाले के पास जाके कहें कि भैया वो तुमने किस तरह की बडिंग दी, उसको हम पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, वो टस से मस नहीं हो रहा है। जब ले गए थे तब 25 पत्ते थे और अभी भी 25 पत्ते हैं। अच्छा, वो कहता है कि आपने फलाने इलाके में उसको बोया है ना, वहां की मिट्टी में फलाने चीज की कमी है, एक काम कीजिए ये एक पुड़िया ले जाइए और उस पौधे के आसपास जरा हल्के से खोद के, जड़ों तक ना पहुंचे, जड़ों से दूर, इस पुड़िया में जो पाउडर है इसको डाल दें और मिट्टी को कवर कर दें और हल्के से पानी का छिड़काव कर दें। तो आप पुड़िया ले जाते हैं, वहां ले जाके उसको डाल देते हैं, जैसा उसने कहा वैसा करते हैं। अगले दिन से आप देखते हैं कि ये पौधा जो दो हफ्ते से बिल्कुल सोया सोया था वो अचानक जाग गया है, जागृत हो गया है। क्यों? शायद मिट्टी में सोडियम की कमी थी या सल्फर की कमी थी या इस तरह से किसी चीज की कमी थी, जिसको जानकर व्यक्ति ने ताड़ कर आपको सही चीज दे दी, जिसको आपने मिट्टी में डाल दिया, उसका रूपांतर चालू हो गया। इसी तरह से मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, हमारे जीवन में रूपांतर होना जरूरी है, लेकिन रूपांतर के लिए बहुत सारे घटक होने चाहिए। जिस तरह से एक पौधे के लिए पानी जरूरी है, खाद जरूरी है, सिर्फ पानी खाद पर्याप्त नहीं है। यदि मिट्टी गलत किस्म की है तो उस मिट्टी में कई बार सोडियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो उसको ऊपर से डालना पड़ता है जिससे कि उस पौधे को रूपांतर के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिल सके। इसी तरह से मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा ये नया जीवन पाया है, हम में से हर व्यक्ति के जीवन में ये जरूरी है कि जो पोषक तत्व है, जो हमारे जीवन का पोषण करेंगे, जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, वो हमारे जीवन में हो। पोषण के लिए यहां पर बताया गया है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में। थोड़ी देर पहले हमने प्रभु की पहचान के द्वारा देखा था, यहां प्रभु का वचन कहता है कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, जी नहीं, आत्मिक ज्ञान और समझ नहीं कहा है यहां, प्रभु का वचन कहता है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित। ऐसा क्यों कहा गया है? हम सब जानते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु शाश्वत जीवन पाए। आत्मिक ज्ञान है क्या? जी हाँ, आत्मिक ज्ञान है। उद्धार से पहले प्रभु की तरफ से आया हुआ आत्मिक ज्ञान था, उद्धार पाने के बाद हम पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और पाते हैं कि किस तरह से प्रभु ने हमें, हमसे प्रेम किया। लेकिन आत्मिक ज्ञान इस एक पद तक सीमित है क्या? जी नहीं, आत्मिक ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं। जैसे रोमियों के पत्र 5वें अध्याय के 1वें पद में लिखा है, क्योंकि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहराए जाना मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक ज्ञान है। रोमियों की पत्री 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में हम देखते हैं, हम कोई भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु में एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया, आत्मिक ज्ञान है। इस तरह से प्रभु का वचन जो जो बातें कहता है वो सब जानना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हम ये विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ में परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो
और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जन्म ले उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो वह आत्मिक शिशु है। लेकिन जैसे 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 दिन निकलते चले जाते हैं उससे उम्मीद की जाती है कि शैशव अवस्था से बालक, वहां से प्रौढ़ और उससे भी आगे वो व्यक्ति बढ़ेगा। इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय के आखिरी पदों में हम देखते हैं, समय के हिसाब से तो तुमको अध्यापक हो जाना चाहिए था। मतलब एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो दूध पीने वाले शिशु से लेकर बढ़ते 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 आत्मिक जीवन में अध्यापक की हैसियत तक उसे पहुंचना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में लिखा है हो जाना चाहिए था, जिसका मतलब है कि मेरे और आपके जीवन में ये बदलाव जरूरी है। ये बदलाव जब होंगे तब आत्मिक फल हमारे जीवन में आएगा। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तब आएगा जब हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से परिपूर्ण हो जाएंगे। आत्मिक ज्ञान और समझ से कैसे परिपूर्ण होंगे? एक मसीही के लिए आवश्यक सारा का सारा आत्मिक ज्ञान प्रभु के वचन में मिलता है, संसार में नहीं, संसार की शिक्षाओं में नहीं, संसार की नीति वचन में नहीं। संसार के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत सी प्रेरणा से भरी हुई बातें हैं। मैं और आप जब इन बातों को सुनते हैं तो हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। आप में से कई लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मैं 8वीं में था, उस समय मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि थे। उन्होंने एक कविता लिखी है जिसकी पंक्तियां हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है उस कविता से। लेकिन जो प्रेरणा संसार हमको देता है वो सांसारिक कार्यों के लिए है। आत्मिक कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से मिलती है और प्रभु के वचन से मिलता है। तो इस कारण यदि हम सारे ज्ञान में परिपूर्ण होना है और समझ में परिपूर्ण होना है तो सांसारिक किताबों को पढ़ने से नहीं होगा। सांसारिक किताबों को त्यागने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो पढ़ाई लिखाई की और जनरल नॉलेज की किताबें पढ़नी ही है। उसके अलावा हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है। मैं तो विज्ञान का बहुत शौकीन हूं तो वैज्ञानिक किताबें अभी इस बुढ़ापे में भी पढ़ता हूं। लेकिन ये पुस्तकें आत्मिक जीवन के लिए हमको प्रेरित नहीं करती है। आत्मिक जीवन के लिए प्रभु के वचन का सारा ज्ञान, जो वचन के पढ़ने, वचन पर मनन करने और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही हमको मिलेगा। जब ऐसा करेंगे तब क्या होगा? हम में हर भले काम का फल लगेगा। तब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। फल और परमेश्वर की ज्ञान में पहचान में क्या संबंध है? बहुत संबंध है। जैसे जैसे मेरे आपके जीवन में फल और अधिक होगा वैसे वैसे हमारे जीवन में रूपांतर होगा। ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जब रूपांतर होगा तो फल लगेगा, फल लगेगा तो रूपांतर होगा। धीरे धीरे हम इस बात को समझने लगेंगे कि मेरे आपके जीवन में जो फल दिख रहा है वो मेरी आपकी योग्यता नहीं है, प्रभु की करुणा है। पवित्र आत्मा मेरे आपके द्वारा कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे और आपको बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और जिस तरह से दानियल को विकट मुसीबत से पवित्र आत्मा ने बचाया, 10 दिन का एक्सपेरिमेंट जो उसने सजेस्ट किया, उस प्रयोग का परिणाम क्या था इस बात को जानते हैं। जो उनका इमीडिएट इंचार्ज था उसने देखा कि अरे इनको तो सिर्फ दाल और अन्न और दाल दिया जा रहा है, ना मांस मछली है ना और कुछ दिया जा रहा है। 10 दिन में ही इन लोगों का चेहरा बदल गया। तो उसने राजा के द्वारा अपॉइंट किया हुआ सारा का सारा मेनू हटा दिया
और जो वो चाहते थे जब तक ट्रेनिंग पीरियड में रहे तब तक वही दिया गया। हम जानते हैं ट्रेनिंग के बाद जब वे राजा के सामने खड़े हुए और राजा ने बाकायदा उनकी जांच की, उत्तर भारतीय लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राजाओं के सामने खड़े होना आसान बात नहीं थी। जब राजा के सामने खड़े होते हैं तो दरबारी लोग खूब टांग खिंचाई करते हैं। दानियल और उसके साथी लोग जब राजा के सामने खड़े हुए तो खूब जम के राजा ने उनकी परीक्षा की, दरबारियों ने परीक्षा की, और ये तो विदेशी लोग थे। बाबुल के साम्राज्य में यहूदी लोग विदेशी थे, विदेशी गुलाम थे, इसलिए जमकर टांग खिंचाई हुई। लेकिन राजा ने एक बात नोट किया, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है अन्य जो जवान थे जो सर्वोत्तम खाते थे पीते थे, ये उन लोगों से ज्यादा हेल्दी, उन लोगों से ज्यादा हैंडसम और उन लोगों से ज्यादा बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए लोग थे। तो जब हम अपने जीवन में प्रभु के लिए फल प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा होगा। और उनके जीवन में बुद्धि और ज्ञान जितना बड़ा, देखिए दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के बारे में अपन जानते हैं, प्रभु ने उनको जितनी अधिक बुद्धि दी, जितना अधिक ज्ञान दिया, उनके जीवन में उतनी ही अधिक नम्रता आई। प्रभु के ऊपर जो आश्रय है वो उतना ही अधिक बढ़ता चला गया। याद है राजा ने जब दानियल को शेर की मांद में डालने का आदेश दिया, अगली सुबह राजा दौड़ दौड़ कर जब शेरों की मांद के पास पहुंचा, हे दानियल तू जीवित है क्या? दानियल का क्या जवाब था? प्रभु के दास को, प्रभु के बच्चे को शेर की मांद में छोड़ दिया, तुम सोचते हो क्या कि मैं मर जाऊंगा? नहीं, उसने, वो जानता था कि ये प्रभु का कार्य है, इसलिए उसने राजा को बहुत ही नम्रता के साथ बाबुल में या पर्शिया इत्यादि में जिस तरह से नम्रता के साथ राजे महाराजाओं को जवाब दिया जाता है उसी तरह से नम्रता के साथ उसने जवाब दिए। क्यों? इसलिए कि जब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं तब हमारे जीवन में नम्रता आती है और हम नम्रता का व्यवहार करते हैं और हमारी बोली नम्रता से भर जाती है। इससे संबंधित एक पोर्शन और आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं जरा वापस पहुंचेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पहले पद से, ये हम सब जानते हैं ऐसा भाग है, लेकिन मेरे आपके जीवन में जो फल दिखना चाहिए उसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ दी गई हैं जो कई बार हम नजरअंदाज कर जाते हैं। यहाँ लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। इसका मतलब यह है कि यदि एक मसीही व्यक्ति का जीवन फलवंत नहीं है तो उसको उस अनुभव से होकर गुजरना पड़ेगा जिसको प्रभु काट डालना कहते हैं। कई बार लोग इस पद को उठा के कहते देखा देखा देखा, ये प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद यदि तुम्हारे जीवन में फल नहीं हो तो तुम्हारा उद्धार नष्ट हो जाएगा। जी नहीं, ये उद्धार नष्ट होने के बारे में नहीं है। प्रभु का वचन बहुत स्पष्टतया बार बार याद दिलाता है कि प्रभु उद्धार या शाश्वत जीवन हमको देते हैं वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब यह है कि उसका कोई अंत नहीं है, ये उद्धार के बारे में नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं ये उसके बारे में है। प्रभु एक विश्वासी के जीवन में जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं उसके बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं जिससे कि बच्चा सुधर जाए। वे लोग थोड़े समय के लिए करते थे, तुम्हारा आत्मिक पिता तुम्हारे शाश्वत भलाई के लिए तुम्हारे जीवन में
अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं। तो यहाँ जब प्रभु कहते हैं कि जो डाली मुझमें है और नहीं फलती उसे काट डालता है, मेरे आपके जीवन में प्रभु की तरफ से जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी ये उसके बारे में इब्रानी के पत्री 6 अध्याय में हम इसके बारे में देखते हैं कि फल फूल आदि लाने के बदले यदि घास और ऊंट कटारे लाएंगे तो उसको जला दिया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखने के बदले घास फूस और लकड़ी का रखेंगे तो आग से जला दिया जाएगा। उससे भी पहले चारों गॉस्पल्स को देख लीजिए जहां प्रभु यीशु ने ऐसे दासों के बारे में या गुलामों के बारे में बताया था जिनको बुलाकर व्यापार के लिए सिक्के दिए गए थे। सिक्का दिया गया उसके साथ ये भी कहा गया व्यापार करो, विनिमय करो, लेकिन इनमें से हर घटना में कम से कम एक दास था जिसने विनिमय नहीं किया। क्या हुआ? प्रभु ने उससे कहा दुष्ट दास, उसको सजा दी। ये एक मसीही के जीवन में यदि वो फल नहीं लाता है तो उसके जीवन में प्रभु की तरफ से जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी उसको दिखाता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बुलाए गए हैं, इसलिए बुलाए गए हैं कि फल लाएं, फल के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करें। लेकिन यदि हम फल नहीं लाएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। आप कहेंगे हा, इसका मतलब यह है कि यदि हम अपने जीवन में फली फल लाते रहे तो जीवन में कभी कोई दुख या दर्द नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। जो मेरे श्रोता है इनमें से कई लोग शहरों में जीते हैं, पता नहीं आप पौधे लगाते छांटते हैं क्या। मैं तो शहर से कुछ दूर एक जगह रहता हूँ, घर के सामने खूब सारे पेड़ पौधे वगैरह हैं, उनको साल में कम से कम एक बार इनमें से कई पौधों को छांट दिया जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि पानी के बरसते ही वो एकदम से बहुत ही ज्यादा शक्ति के साथ नए ब्रांचेस और नए पत्ते देता है, खूब फल फलवंत हो जाता है। जो विश्वासी अपने जीवन में प्रभु के प्रति समर्पित है और फल लाता है, प्रभु थोड़ी बहुत छटाई करते हैं। यूसुफ का जीवन देख लीजिए, दानियल को देखिए, शद्रक मेशक अबेदनको को देख लीजिए, इस तरह से और भी बहुत सारी घटनाएं प्रभु के वचन में हम देखते हैं। ठीक है, चौथे पद में हम देखते हैं तुम मुझ में बने रहो और तुम और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। जब भी हम आत्मिक जीवन में फलवंत होने की बात सोचते हैं, एक बात हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आप फलवंत नहीं हो सकता है। पांचवें पद में यह बहुत स्पष्ट बताया है, पांचवें पद के आखिर में हम देखते हैं क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में प्रभु के वचन का पाठ नहीं है, आपके जीवन में यदि प्रभु के बच्चों के साथ आत्मिक संगति नहीं है, आप फल नहीं ला सकते। ये जरूरी है कि हम प्रभु के साथ संगति में रहें और प्रभु के साथ संगति के लिए प्रभु ने जो माध्यम दिए हैं उन माध्यमों का उपयोग करें। हाँ, सातवां पद हमको एक बात याद दिलाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे आपके जीवन में जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, आर्थिक जरूरत पड़ती है, सामाजिक जरूरत पड़ती है, नौकरी में जरूरत पड़ती है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यदि हम प्रभु में बने रहें और यदि हम फलवंत हो तो हम प्रभु से जब मांगेंगे प्रभु देंगे। आपको याद है एस्तर, उसने और उसकी सखियों ने 3 दिन 3 रात उपवास किया था, काहे के लिए? जीवन दान के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा काम करना चाहती थी जिसमें बहुत खतरा था। प्रभु ने जीवन दान दिया, तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमको दूंगा। 8वां पद, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रिय भाई और बहनों, जिस क्षण हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था तब से आज तक हमारे जीवन में बदलाव आया है क्या? और यदि बदलाव आया है तो प्रभु की महिमा हुई है।
बदलाव नहीं आया है तो प्रभु के नाम की महिमा नहीं हुई है। आज हम अपने जीवन को मोड़ कर देखें, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या था, क्या हो गया, क्या होने जा रहा हूँ। हे प्रभु मेरी मदद कीजिए जिससे कि मैं अपने जीवन में विश्वस्त रहूं और जीवन में बहुत अधिक फल ला सकूं। इन बातों को अच्छी तरह से समझने और अपने जीवन को जांच कर एक बार और फ्रेश अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्षमा करके जीवन दे दी स्तुति करो हरदम तेरी तेरी आराधना करूं। महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनता, हृदय के तार छेड़े जनता, तेरी आराधना हे माँ दुर्गी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा करके जीवन दे दी स्तुति करो हरदम तेरी तेरी आराधना करूं। कण कण में छाया है तेरी महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राग। पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा करके जीवन दे दी स्तुति करो हरदम तेरी तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, पाप क्षमा करके जीवन दे दी स्तुति करूं हरदम तेरी तेरी आराधना करूं।